हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन टाटा मोटर्स में हमें 3.37% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे हुआ 422.15 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल मीडियम टू लार्ज साइज की, ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI हमारा 60-61 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूरी नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर अभी भी एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में। सबसे पहले हमें डाउनसाइड जो है इजीली 416 के आसपास देखने मिले और उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउनसाइड जो है वो 408 तक आते देखने मिलने वाली। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉक में जो जरूर कॉशियसली काम करना है। स्टॉक में अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा जितना हो सके इंट्राडे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है हमने आपको रिसेंटली जो स्टॉक का एनालाइज किया था वहाँ पे हमने बताया था। साथ ही साथ हमने स्टॉक का जनवरी का भी एनालाइज किया था जनवरी के स्टार्ट में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं जरूर आपको रेकमेंड करूँ उसको आप देख ले। आई बटन में मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट जो ऐड कर ली है जनवरी मंथली एनालिसिस का, तो उसको आप जरूर देख ले ताकि आपको समझ में आए किस तरह से हम जो है यहाँ पे एनालाइज करते हैं। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन रीजन ऐसा जो मार्क्ड है। फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता ताकि एक बार हम जो पुराना डेटा जो है यहाँ पे एक बार देख ले। तो यहाँ पे पुराना डेटा तो फिलहाल नहीं है लेकिन जो नया डेटा बना है आज का उसको खाली हम मार्क करके रख देते हैं। तो यहाँ पे जूम करके अगर मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, 422 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 420.15 का, डायरेक्ट रीजन आता है 422.60 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रीजन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले कल के दिन तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर आप उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजोन वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 416.80 का, उसके बाद क्या था 414.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोन के बाद का अगला रेजोन आता है 423.95 का, उसके बाद क्या था 426 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड स्टॉक हमें यहाँ पे
नो ट्रेडिंग एरिया के जी में एक नेगेटिव क्लोजिंग दे दे, थोड़ी सी यहाँ पे जो है एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने मिल सकती है। यहाँ पे 420 के नीचे क्रॉस हुआ वॉल्यूम के साथ, तो स्टॉक और भी जो इस रेंज में आ सकता है, तो जरूर जो आप कल के दिन वॉल्यूम पे जरूर ध्यान दें किस तरह का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो स्टॉक में बन रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।